ये कौशिक साहब की परंपरागत सीट है। बिल्हा से नेहा भारती चुनाव लड़ेंगी। रायपुर पश्चिम से भगत हरबंस को टिकट दिया गया और रायगढ़ से मधु किन्नर, ये महापौर रही है छत्तीसगढ़ की। रायगढ़ से मधु किन्नर को पार्टी ने मैदान में उतारा है। जनता कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी, 27 कैंडिडेट्स के नाम। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, 27 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, पूरा जोर लगा रही है पार्टी। बिल्कुल, देखिए गोरेलाल बर्मन जो है वो पामगढ़ से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे और पहले अगर हम बात करें तो उनको विधायक की टिकट मिली थी, हालांकि वो नहीं जीत पाए थे। तो अभी फिर से वो मांग रहे थे, उनके जो समर्थक वो लगातार प्रदर्शन करते, लेकिन आज उन्होंने जोगी कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद उन्हें पामगढ़ से टिकट दी गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मधु किन्नर जो निर्दलीय लड़ी थी और महापौर बनी हुई थी कभी, तो उनको जो है वो अभी फिर से रायगढ़ से टिकट दिया गया है। तो एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो रायगढ़ में दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 27 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और इनमें से कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टियों से अपनी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से मांग रहे थे या बीजेपी से मांग रहे थे और उन्हें वहां से टिकट नहीं मिली। तो जोगी कांग्रेस में जिस तरह से अमित जोगी लगातार कह रहे थे कि जिन्हें अपनी पार्टियों से टिकट नहीं मिल रहा, हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, तो उन लोगों को जो है जोगी कांग्रेस ने टिकट दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। अब बात भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट की करेंगे, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। तुलसी पीठ के जगतगुरु राम भद्राचार्य से उन्होंने मुलाकात की, उनका आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान जगतगुरु राम